हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंटीजर्स। और इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज जो है बहुत ईजीली कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका आप सारे जो नंबर्स हो जाते हैं वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इन नंबर्स में अगर हम ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके नेगेटिव नंबर ऐड कर देते भी इंक्लूड कर देते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जो और भी हैं जो आगे के सारे नंबर्स जो हैं और भी हम इंक्लूड कर देते हैं, तो अब ये जो नंबर्स हो गए हमारे सारे वो आपके हो गए इंटीजर्स, है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो जो है आपके ये सारे नंबर्स हो जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इसमें जो आपके ये नंबर्स तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जो ज़ीरो से जो इधर नंबर हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो आपका ज़ीरो है वो जो है बेटा वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है, वो बस सिर्फ एक इंटीजर है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है इसमें वो है कि इसके बाद जो आपके नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं, इसके अलावा इस आपके रैशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में, तो वो भी आपके क्या है, नॉट एन इंटीजर, वो भी आपके इंटीजर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं इसमें इरेशनल नंबर्स आते हैं आपके, तो वो भी आपके नॉट एन इंटीजर, इरेशनल नंबर भी आपके जो हैं इंटीजर्स में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद आपकी आते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर्स होते हैं आपके, तो वो भी आपके नॉट एन इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो वो भी आपके इंटीजर्स नहीं होंगे। क्लियर, तो ये आपका आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और आपका ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद ये आपके इंटीजर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कि आप जो हैं जो आपके इंटीजर्स होते हैं उनको आप किस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है आपका इंटीजर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो सबसे पहले आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन जो आपकी होती है वो क्या होती है, नंबर लाइन आपकी क्या होती है, नंबर लाइन होती है आपकी देखो इस तरह से, आपकी नंबर लाइन होती है बीच में जो होता है आपका ज़ीरो होता है, और ज़ीरो के जो राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होती हैं 1, 2, 3 है ना, 4, और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3। ठीक है, इसी से इधर भी बढ़ता रहेगा और इधर भी इन्फिनिटी तक हम बढ़ा सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो अब इसमें से ये आपको कोई भी नंबर जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कोई भी इंटीजर प्लॉट करना है, और आपको पता है कि नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स ही हैं, है ना, होते तो और भी नंबर्स हैं इनके बीच में भी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, वो भी आपके नंबर लाइन पे होते हैं। ठीक है, और आपका नेगेटिव नंबर्स में भी आपके पॉइंट वाले नंबर भी सब होते हैं नंबर लाइन पे, लेकिन आपको क्या अपलोड करने हैं, सिर्फ इंटीजर को अपलोड करना आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, कि आप -2 को कैसे अपलोड करोगे नंबर लाइन पे, या 2 को कैसे अपलोड करोगे, तो नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन कहाँ है। सपोज़ आपको 3 अपलोड करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, जो आपका 3 इंटीजर है वो आपको नंबर, तो ये 3 ये रहा, तो सिर्फ इसको है ना, ये पोजीशन है आपकी 3 की, इस तरह से हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, -2 की क्या पोजीशन है, ये है आपका -2 यहाँ पे, तो जहाँ पे भी वो नंबर लाइन पे शो हो रहा है उसको वहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे वो नंबर लाइन पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन पे अपलोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक वो है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेफिनेशन दे रखी है पॉजिटिव नंबर्स की, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि अ नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो, जो भी आपके नंबर्स जो हैं ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, ज़ीरो से जितने भी बड़े नंबर्स आपके हैं जो आपको नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्लियर,
तो ये हुए आपके पॉजिटिव नंबर्स। उसके बाद है आपका नेगेटिव नंबर्स। अ नंबर लेस देन ज़ीरो, जो भी नंबर आपके ज़ीरो से छोटे हैं, ठीक है, ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये आपके क्या हैं, ज़ीरो से छोटे नंबर्स हैं, वो सारे आपके क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स। क्लियर। तो इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है इंटीजर्स, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में ही कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स आर ऑल द होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स। होल नंबर्स से मैंने आपको क्या क्या बताया है, आपके नेचुरल नंबर्स और इंक्लूडिंग ज़ीरो, है ना। नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो जो होते हैं आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो सारे होल नंबर्स एंड ऑल ऑफ देयर अपोजिट्स ऑन द नेगेटिव नंबर्स, जो उसके अपोजिट्स नंबर हैं नेगेटिव, है ना, जो उनके कोई भी सारे नेचुरल नंबर के जो अपोजिट नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस सेवन का अपोजिट सेवन, सेवन का अपोजिट माइनस सेवन, है ना। तो वो उन सबको, वो नौ सब नंबर्स भी आपके जो नंबर लाइन पे इंक्लूड होते हैं, और ज़ीरो भी जो आते हैं, वो सारे जो आपके हैं इंटीजर्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरोज आपका कौन कौन से नंबर्स जो हैं इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर जैसे भी आपने पीछे पढ़ा था, थ्री सेवन का सेवन का माइनस सेवन और माइनस सेवन का सेवन, उसी तरह से आपका यहाँ पे देखो दिखाया है माइनस थ्री का अपोजिट है थ्री, है ना, और इस तरह से माइनस सिक्स का अपोजिट है सिक्स, या फिर सिक्स का अपोजिट है माइनस सिक्स। तो ये आपके अपोजिट नंबर्स होते हैं, जो कि जिसमें हम सिर्फ साइन को रिवर्स कर देते हैं। अगर एक नंबर के साइन जो है नेगेटिव है, तो उसका अपोजिट होगा पॉजिटिव नंबर, इस तरह से जो हमारे अपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है कुछ इंटीजर्स को, इंटीजर्स में ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो हम ऑपरेशन लगाते हैं इंटीजर्स में, वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ रूल हैं आपके, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जो है सबसे फर्स्ट है आपका एडिशन रूल, ठीक है। हम ऐड कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको देखो ये फोर रूल आपको पता होने चाहिए, कौन से वाले, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। जिन नंबर को हम क्या कर रहे हैं, हमें प्लस, जिन इंटीजर्स को हमें प्लस करना है, अगर दोनों नंबर्स के आगे आपका प्लस प्लस लगा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं है कि ऐड करना है तो कोई भी इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं। हम उनके साइन को देखेंगे, ठीक है। हमें साइन पे ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नंबर हमें ऐड करना है उसके आगे प्लस का साइन हो, और जो सेकंड इंटीजर हमें जो ऐड करना है उसके आगे प्लस का साइन हो, देन हम उसको करेंगे ऐड। उसके बाद इसी तरह से अगर दोनों साइन के, दोनों नंबर्स के आगे माइनस माइनस है तो हम करेंगे, तब भी हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। हमें जिन दो नंबर्स को, हमें दो इंटीजर्स को हमें ऐड करना है, अगर उन दोनों इंटीजर्स के आगे जो है माइनस माइनस लगा हुआ है, तो तब भी हम उन दोनों नंबर, दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, क्लियर। उसके बाद आपका इसमें आता है देन, अगर एक इंटीजर के आगे माइनस लगा है और एक इंटीजर के आगे प्लस लगा है, तो तब हम माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर एक इंटीजर के आगे प्लस लगा है और फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के आगे माइनस लगा है, तब भी हम माइनस करेंगे। मीन्स अगर दोनों इंटीजर के हमारे सेम साइन होंगे, अगर दोनों इंटीजर के हमारे सेम साइन होंगे, या तो दोनों प्लस हो तब हम प्लस करेंगे, और अगर दोनों माइनस हो तब हम प्लस करेंगे। अगर एक इंटीजर के आगे अलग साइन है और दूसरे इंटीजर के आगे अलग साइन है, या ठीक है, दोनों में अपोजिट साइन है, तो हम उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर के आगे हम जो साइन लगाएंगे, वो साइन होगा हमारा ग्रेटर नंबर का, क्लियर। वो साइन होगा हमारा ग्रेटर नंबर का। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिया है, देखो माइनस नाइन को ऐड करना है प्लस फाइव से, माइनस नाइन को ऐड करना है प्लस फाइव से। तो एक इंटीजर के आगे आपके पास माइनस साइन है और एक इंटीजर के आगे आपके पास प्लस साइन है, ठीक है। तो हम करेंगे तो क्या, माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर साइन जो हैं, दोनों के साइन जो हैं वो चेंज है, ठीक है, अलग है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो हमने दोनों इंटीजर को क्या किया, माइनस किया, नाइन माइनस फाइव फोर, ठीक है, हमारा आंसर आया फोर। अब फाइनल आंसर के आगे मैंने आपको बताया था कि साइन हम किसका लगाएंगे,
जो साइन हमारे बड़े नंबर का है, ठीक है। तो 9 और 5 में बड़ा नंबर 9 है और 9 का क्या साइन है? माइनस, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर के आगे अपना क्या लगाएंगे? माइनस साइन, क्लियर। तो इस तरह से हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन का रूल। सब्ट्रैक्ट भी हम इसी तरह से करते हैं कि देखो बेटा, अगर आपका 2 नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? अगर हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर आपका क्या लगा है, देखो सेकंड, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस नंबर के आगे आपका क्या लगा है? माइनस लगा है, तो वो नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? प्लस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना अभी, माइनस माइनस प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सेम साइन जो होते हैं आपके वो होते हैं प्लस, और जो चेंज हो दोनों अपोजिट साइन होते हैं वो आपके होते हैं माइनस। तो ये वाला -7 आपका प्लस में चेंज हो गया, देन दोनों को हमने प्लस कर दिया और 7 और 2 9, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमने ये देखा माइनस करना और ऐड, सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना। देन नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, इफ़ यू डोंट सी अ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ अ नंबर इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारा कोई भी, सपोज करो कोई भी नंबर है, सपोज 9 ही है, ठीक है। अगर इस 9 के आगे ना तो पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है और ना ही नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो हम क्या उस नंबर को मानेंगे कि वो जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी नंबर आपका दिया है उसके आगे कोई भी साइन मेंशन नहीं है तो वो नंबर आपका क्या होगा? वो नंबर आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्लियर। तो इस तरह से हम उस नंबर को जो है पॉजिटिव नंबर ही मानेंगे। तो इस तरह से हमने 2 नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, 2 इंटीजर्स को, इंटीजर्स नंबर को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये कुछ प्रॉब्लम जो है दिख रही है स्लाइड में, जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स आपको बताऊँगी, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ आई विल कम अगेन विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू।